जो मुझे दिखते हैं मैं उनको उनको पकड़ती हूँ कि ये प्लैनेटरी सिस्टम इस तरह से आ रहा है तो मुझे इस तरह से डिसीजन लेना है। अगर आप अपनी कुंडली को देखोगे, अपनी कुंडली को पढ़ोगे कि मेरी जिंदगी में अगर मुझे मंगल जैसे लोगों से हानि है, नुकसान है, तो मैं उस तरह के लोगों से उस तरह से व्यवहार करूंगा कि ताकि मेरे अंदर टकराव ना हो, या फिर मैं उनसे बिजनेस लंबा नहीं कर पाऊं ताकि मेरे भी नुकसान हो और उसका भी नुकसान हो। इसलिए हम लोग बचने की कोशिश के लिए एस्ट्रोलॉजी ज्यादातर मानते हैं। तो बुध, बुध यानी आपके रिश्तेदार, आपका फ्रेंड, सेकेंड थिंग आपका भाई यानी आपका मंगल, पॉजिटिव मंगल आपका भाई आपकी जिंदगी में इतना बेनिफिटेड कार्य होता है कि अपना सब कुछ बेच के भी आपको खड़ा कर देता है। लेकिन नेगेटिव मंगल जो होता है वो आपके हिस्से का भी हड़प करके आपको रास्ते पर लेके आता है। एक ही घर में पैदा हुए भाई बहन ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस कि उसके कुंडली में मंगल उसका शत्रु होता है, यानी उसका भाई उसका शत्रु होगा, ये हम लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं बिफोर। सेकेंड गुरु, गुरु यानी आपका ज्ञान, आपके टीचर, आपका जैसे हम लोग कहते हैं कि वेल विशर। बहुत स्ट्रांग गुरु है तो उसके बचपन से उस तरह के टीचर्स मिलते हैं, उस तरह की परवरिश मिलती है, उस तरह के उसको गाइड मिलते हैं, गाइडलाइन उसको उस तरह से होती है, तो उसको कभी जिंदगी में स्ट्रगल ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। उसके बड़े बुजुर्ग इतने अच्छे होते हैं गाइड करने वाले लोग। और अगर वीक गुरु है तो उसको क्या होता है कि बचपन से क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना उसका गाइडेंस नहीं होता, बस किताबें लाके दी माँ पिता ने, वो अपने जुगाड़ में बिजी है, यानी अपने फैमिली में अपने परेशानी में बिजी है, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं होता। ऐसे इसमें बच्चे जब परवरिश में पढ़ते चले जाते हैं कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं, तो उनका ब्रेन क्या होता है उस तरह से डेवलप हो जाता है, विकसित नहीं हो पाता, या किसी की बात वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या अपने आप को जैसे हम लोग कहते हैं कि सुन के उस तरह से टैकल करना उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि गुरु उनका वीक हो जाता है। चाहे आप उनको कितना समझाओ सिखाओ वो नहीं ऑब्जर्व कर पाते। और शनि, शनि यानी आपका बॉस, आपका पार्टनर, आपका खुद का कर्म। शनि अगर स्ट्रांग है तो आपका बॉस भी आपको ऊपर तक लेके जाने में हेल्प करता है, है ना? किसी के प्रोग्रेस होना या किसी का प्रमोशन होना, इसका सपोर्ट उसके बॉस के हाथ में होता है। अगर शनि नीच का है तो बॉस के हाथ से हमेशा टॉर्चर होना, कितना भी दिल से काम करो आपको उसके बारे में खुशियां वो बॉस नहीं एक्सेप्ट कर पाता या आपको खुशियां नहीं मिल पाती। इवन आपका कर्म, जिस तरह से हमने कर्म किया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी में मुझे यश नहीं मिलता बिकॉज ऑफ शनि। शनि यानी क्या? वायु तत्व है ना, आपके अंदर का स्पीड वो बढ़ने नहीं देता। आपकी उगने वाली सुबह और डूबने वाली शाम, इसके बीच का जो समय है आप किस तरह से बिताते हो शनि निर्भर करता है, क्योंकि पूरा समय शनि अगर आपका स्ट्रांग है तो आपसे बहुत जुगाड़ के काम कर लेता है। इसलिए स्ट्रगल करने की क्षमता सिर्फ शनि देता है। शनि आपको पूरी जिंदगी में अगर खड़ा करता है तो मैं मानती हूं कि पूरे प्लैनेट के अनुसार सिर्फ शनि ऐसा है कि हर किसी की बचपन से लेकर मृत्यु तक आज तक का जितना भी युग हुआ है उसमें शनि ने हर इंसान को डेवलप किया है और हर इंसान को शनि ने नीचे गिराया है, उसने हालात की पहचान बना के दी। इसलिए शनि की राशि हमेशा 10th और 11th यानी बाजू बाजू में है कि आप जो कर्म करोगे उसका लाभ मैं दूंगा। कुंडली में आप देखोगे 10 और 11 राशियां हमेशा नजदीक में होती है शनि की। हर प्लैनेट की दो दो राशियां होती है, जैसे मेष और मंगल वृश्चिक, ये एक दूसरे से 8वें में है। दो या 7 राशियां जो वृषभ और तुला एक दूसरे से लंबे लंबे में है, या एक षष्ठावश हम लोग कहते हैं षडाष्टक योग, हर राशियां एक दूसरे से बनाती है। लेकिन कर्क और सिंह राशि, कर्क यानी चंद्र की राशि, सिंह यानी सन की राशि, ये सिर्फ इनको सिंगल सिंगल इसलिए दिया है कि आपका एक ही माइंड है, आपका एक ही सोल है ना। लेकिन इस सोल को, इस माइंड को घुमाने वाले जो पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स हैं, मंगल शुक्र बुध जैसे, बुध यानी आपके ब्रेन का कारक है, ये दो दो शक्तियां आपके साथ हमेशा होती है। और शनि आप कर्म करो और आप लाभ का कारक है, उसका कारक शनि अगर कुंडली में नीच का है तो आप कितना भी मेहनत करो वो आपको सफलता मिलने नहीं देता, डिसीजन गलत चले जाते हैं। सेकेंड थिंग मैं ये मानती हूं कि ये कुंडली में आपने देखा कि किस तरह से एक्सीडेंटल डेथ हुआ, इसमें शनि और मंगल का दोष किस तरह से आया आपको पता चला, इसमें प्लैनेटरी सिस्टम तो था ही, बिफोर प्रेडिक्शन भी किया गया था लेकिन उसके माइंड ने नहीं माना इसलिए हमें खोना पड़ा बिकॉज ऑफ ये सारे रिलेशंस। अब सेकेंड केस ये है, ये जो मकर लग्न और मकर रास, इसमें शनि राहु चंद्र शुक्र एक साथ है लग्न में। अब इस लड़के की किस्सा ऐसा है कि इनके घर में इनकी बहन स्किज़ोफ्रेनिक है, दो भाई हैं, पेरेंट ओल्ड एज हो चुके हैं अभी, इनका खुद का किराना का बिजनेस था, जैसे हम लोग ग्रोसरीज वगैरह कहते हैं उसका अच्छा बिजनेस था, और
फ्रेंड सर्कल है, उनके फ्रेंड सर्कल एक अच्छा ऐसा मौका लाया कि नहीं चलो अभी किराना चल रहा है तो हम लोग दाल मिल खोलते हैं, उसमें और भी बेनिफिट हो जाएगा। इन्होंने मान ली, पैसा कहीं से नहीं मिल रहा था, लोन कहीं से नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्होंने अपनी दुकान बेच दी और उस दुकान बेच के वो जो पैसे हैं वो उन्होंने दाल मिल में डाले। और आप यकीन नहीं करोगे, विद इन 3 मंथ्स इनका लोन इतना बढ़ता गया, वो दाल मिल तो चला नहीं, उसका बिजनेस कुछ हुआ नहीं, जो बिजनेस था वो भी हाथ से निकल गया, ये भी दाल मिल के चक्कर में वहां पे पैसे भी फंस गए और इनकम बिल्कुल बंद हो गई। किस्सा देखो, इनकम बिल्कुल बंद हो गई। घर में स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, उसकी भी दवाइयां चल रही, ओल्ड एज माँ पिता है तो आप जानते हैं बीपी डायबिटिक अगर है उसमें, उनकी माँ को वात की बीमारी, यानी टेढ़े हो जाते हैं उंगलियां, पांव टेढ़े जो चल नहीं पाती है, बेड पे है। तो इतने सारे घर में पेशेंट, ये खुद शादीशुदा है, उनका सेकेंड भाई छोटा है जिसकी पढ़ाई भी अभी होने बाकी है, तो वो पढ़ाई भी उसके भाई की छूट गई। इसमें इनकी शादी को कम से कम 8 साल होने के बावजूद भी कोई संतान नहीं हुई और इनकी वाइफ ने ये सारे हालात के बीच में रोज झगड़ा होता रहा, ये सारे मतलब हम लोग कहते कि डिप्रेशन, झगड़ा और नेगेटिव इतना बढ़ गया कि कहीं से पैसे भी नहीं आ रहे, पैसे मांगने वाले आ रहे। इस माहौल में उन्होंने अपने आप को फांसी लगा के खत्म कर दिया कि मुझे इस घर में आने के बाद कोई खुशियां नहीं मिली, ना मुझे अपना बच्चा मिला, सास ससुर है तो वो बीमार है, ये एक ननद है तो वो इस तरह से है कि उसके दिन रात उसके किटपिट चलती है, खुशियां कहीं नहीं, मैं कहीं पिक्चर देखने नहीं जा सकती, उनका ये कंप्लेंट था। मैंने कभी अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट क्या है मुझे पता नहीं, इस घर के बाहर क्या है, मैंने कोई अपने शहर में क्या क्या मंदिर है, क्या क्या कहते कि जैसे लोग जाते हैं घूमने, मैं नहीं जा पाई अपने हस्बैंड के साथ। तो शादी शुदा जिंदगी जो है मेरी सिर्फ एक घर की चौकट बन के रह गई। ये एक डिप्रेशन की वजह से उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया और उसके 1 साल बाद इस खुद लड़के की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब हमें ये देखना है कि इसके जिंदगी में ये माँ पिता, उसकी बहन, उसके फ्रेंड्स और सेकेंड थिंग उसके ऊपर हुआ लोन, ये सारा माल मसाला जो है उसके जिंदगी को हार्ट अटैक तक ले जाकर उसकी मृत्यु तक का कारण कैसे बना। सिर्फ प्लानेटरी नहीं, तो ये प्लानेटरी हमारे जिंदगी के ये माहौल खड़ा कर देते हैं। तो किस तरह से लग्नेश शनि खुद लग्न में है, मकर लग्न आप जानते हैं, शनि ऐसा है कि आपको बचपन से सिर्फ छड़ी मार मार के खड़ा कर देता है, खुद मेहनत कर खुद कमा, खुद मेहनत कर खुद कमा, वो सांस लेने की फुर्सत नहीं देता, आपको शांति से चैन से जीने की फुर्सत नहीं देता। शनि, शनि के साथ है मून। अगेन देखो, एक वायु तत्व है, एक जल तत्व है, उसके साथ है शुक्र और उसके साथ है राहु। शनि राहु दोनों वात कारक, वायु कारक है, चंद्र शुक्र दोनों जल कारक है। वायु और जल एक साथ आते तो क्या है, भूजल जैसे हम लोग कहते हैं जिस तरह की सुनामी की लहर आता, उस तरह की दुर्घटनाएं हमारी लाइफ में एक के बाद आती ही रहती है और उन संकटों का सामना हम लोग करते करते थक जाते, ये हालत है इस कुंडली की। सेकेंड थिंग, लग्नेश खुद भी खो चुका है ऑलरेडी राहु के साथ और चंद्र शुक्र के साथ। चंद्र कौन है, उसका मारक, लग्नेश का मारक चंद्र उसके खुद शनि के साथ बैठा हुआ है और शनि मृत्यु का कारक है, फिर भी चंद्र की वजह से वो डोमिनेट हुआ। सेकेंड, नेपच्यून कुटुंब स्थान में नेपच्यून आ गया, फैमिली से कोई सुख, फैमिली से माता पिता से कोई सपोर्ट इनको क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप देखोगे चतुर्थ स्थान माँ का है, दशम स्थान पिता का है। अब माँ का कारक मंगल कहाँ बैठा है, अष्टम स्थान में, मृत्यु तुल्य पीड़ा, यानी माँ को दिन रात तड़पते देखना, हम लोग अपनी आंखों से अपनी माँ का माँ की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस पीड़ा को देखते देखते हमारा माइंड हमारा दिल भी दहल जाता है, हम लोग रोज मरते हैं कि हे भगवान कम से कम हमारे घर में बीमारियां मत दे, मेरे माँ को मत दे, मेरे पिता को मत दे। लेकिन मृत्यु तुल्य पीड़ा माँ की रही, क्योंकि हर्षल वहां पे, हर्षल यानी अगेन वायु का कारक, अग्नि तत्व की राशि है यानी बोन की राशि है, उनके बोन में वायु का प्रक्षेपण, जैसे हम लोग कहते हैं कि वायु ज्यादा बॉडी में बढ़ने की वजह से उंगलियां टेढ़ी हुई, पांव टेढ़े हुए, पांव का कारक है तुला राशि यानी कमर के नीचे का हिस्सा, गुरु वहां पे होना, गुरु अगेन वायु का कारक है, गुरु हर चीज में हमेशा बढ़ाता है घटाता नहीं, तो गुरु वहां पे बैठा है। तो इस तरह से मृत्यु तुल्य पीड़ा मां से मिली, पिताजी का कारक शुक्र शनि और राहु की वजह से डिस्टर्ब हुआ। विवाह, हम लोग कहते हैं सप्तम स्थान पत्नी का स्थान, वहां पे केतु है, केतु यानी आपकी मानसिक पीड़ा, तड़प, यानी जैसे एक किसी ने आपको खंजर भोंक दिया और जिस तरह से खून निकलेगा, जिस तरह से पीड़ा निकलती है और आप उस जख्म को भर नहीं पाते हो,
वो जख्म केतु हमेशा देता है, और वो जख्म है हमारा लाइफ पार्टनर, जिसके साथ होते हुए भी हम उसको उसकी खुशियां हम एंजॉय नहीं कर सकते, हम भी उसको खुशियां नहीं दे सकते, क्योंकि शनि की भी दृष्टि केतु के ऊपर, और केतु फायरी प्लैनेट है, जिसको मुंडी नहीं है ऐसा प्लैनेट, यानी जिसको खुशियां किस तरह ली जा